लाइव खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शैल शुक्ला। कानपुर देहात से एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। सिकंदरा थाना क्षेत्र के गांव का है, जहां एक बीएससी की छात्रा को रिश्तेदार बहला फुसलाकर अपनी हवस का शिकार बनाता रहा और लड़की को परिवार वालों से छिपाकर शादी का झांसा भी देता रहा। लेकिन जब शादी का दबाव लड़की ने बनाया तो आरोपी ने शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़िता ने थाने में पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस मामले में सिकंदरा सीओ ने बताया कि युवक और युवती में प्रेम प्रसंग चल रहा था और शादी का झांसा देकर लड़के ने युवती के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए, लेकिन अब आरोपी युवक शादी से इनकार कर रहा है। वहीं पीड़िता की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। हम बात करते थे अपनी दीदी के देवर से, तो वो कहने लगा हम शादी करेंगे, शादी का झांसा देता रहा, अभी तक मेरे साथ शोषण करता रहा, कह रहा था हम शादी करेंगे लेकिन हम मना कर रहा है। अगर वो शादी करेगा तो हम शादी के लिए आज भी राजी हैं, लेकिन हमें अच्छे से रखे, हमें इस बात की लिखित चाहिए कि वो हमें अच्छे से रखेगा, हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार नहीं करेगा। थाना सिकंदरा के अंतर्गत ग्राम बनवारीपुर है, वहाँ का मामला आया है संज्ञान में। एक जरोली गांव का लड़का, थाना डेरापुर में पड़ता है, उसका रिलेशनशिप था पनवारीपुर में, उसका आना जाना था, उससे प्रेम प्रसंग हो गया। वो शादी का झांसा दिया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और इनका मामला जो है प्रेम प्रसंग का 2017 से 3 साल से चल रहा था, लेकिन बाद में उसने लड़के ने इनकार कर दिया कि अब मैं शादी नहीं करूँगा। तो लड़की जो है थाने आई और थाने में आकर के तहरीर दिया और उसका मुकदमा लिख दिया, अब आगे की जो कार्रवाई होगी। तो ये थी कानपुर देहात से हमारे संवाददाता रमाकांत गुप्ता की रिपोर्ट। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए लाइव खबर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।